अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदो? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहां पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में एशियन ट्रेड टीवी और बिलीव इन पाकिस्तान के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी हमेशा अपने लेजेंड्स को, अपने स्टार्स को, अपने हीरोज़ को और अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स को कवर करते हैं और हम दुनिया को अपना सॉफ्ट इमेज दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अदारे कितने फाल है और इनकी तरक्की में जिन लोगों का करदार, अहम करदार होता है यहाँ तक पहुँचाने में, उनकी स्टोरी आपके सामने लेकर आते हैं। आज इसी सिलसिले में एक अहम ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की, जिसके ऑफिस में मैं मौजूद हूँ और उनके सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मेरे साथ मौजूद है, उनके तारुफ कराने से पहले उनके मैं प्रीवियस थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊँ। सबसे अहम चीज़ ये, मैंने उनको देखा है कि बहुत मिलनसार हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और बहुत अच्छे इंसान हैं। एक राइटर भी है और राइटर जो बंदा होता है वो बहुत सच्चा और खड़ा होता है। उनका अगर प्रोफेशनली एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं, तो वो जो वो लैपर्ड्स पाकिस्तान में GM स्ट्रेटजी भी रहे हैं और मुलर एंड फिप्स में वो डायरेक्टर सेल्स और हेड ऑफ कलेक्शन रहे हैं। OCS पाकिस्तान में वो COO रहे हैं, खिदमात सर अंजाम दी है, और TCS पाकिस्तान और इंस्टाफून पाकिस्तान में वो डायरेक्टर सेल्स एंड ऑपरेशंस रहे हैं। इसके बाद आजकल वो पिछले 3-4 साल से जिस जगह पर जो जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं वो है डाइवो। डाइवो पाकिस्तान में बहुत देर से अपनी खिदमात सर अंजाम डिफरेंट तरीक़ों से दे रहे हैं, चाहे वो डाइवो एक्सप्रेस हो, डाइवो ट्रैवल हो, फास्टेस्ट हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली मिस्टर साजिद खान साहब की। साजिद खान साहब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है डाइवो फास्टैक्स के। मिलते हैं हम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में साजिद खान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियां साहब, वेलकम। आपकी बहुत मोहब्बत है, आपको तशरीफ़ लाएँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर एशियन ट्रेड टीवी का ये एजाज़ है कि हम आप जैसे लोगों को और जिन्होंने अपने अदारों के लिए और पाकिस्तान के लिए स्पेशली बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी है, हम उन लोगों को कवर करते हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं आपके साथ हूं और वेलकम टू माय शो अगेन। साजिद साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा, इतना हैवी प्रोफाइल है आपका, पोर्टफोलियो है माशाल्लाह, पाकिस्तान के तमाम बड़ी अदारों में आपने काम किया है, चाहे TCS की बात हो, चाहे लैपर्ड्स कॉरियर की बात हो, और करंट आप डाइवो फास्टेस्ट को देख रही हैं। सबसे पहली बात है कि आप थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड का मतलब बताइए कि कहाँ से आपने ये सारा कुछ स्टार्ट किया, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में, और डेफिनेटली इसमें बहुत सारी मुश्किलात हर्डल्स आए होंगे, तो लोग एक्चुअली जाना चाहते हैं जो अपने स्टार्स होते हैं, चूँकि आप भी हमारे स्टार हैं देखा जाए तो, क्योंकि आप सर्व कर रहे हैं, तो सर लोग जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से ये स्टार्ट लिया, बचपन कैसा गुजरा, और थोड़ी सी वो जर्नी बताइए डिफरेंट अदारों से होते हुए आज ये सफ़र जो कि डाइवो में चल रहा है आपका, ठीक है, फास्टेस्ट में, वो कैसा चल रहा है, प्लीज़। जी ज़रूर। अब मेरा ताल्लुक पेशावर से है और आपको हैरत होगी कि बचपन से ही वकील बनने का एक जुनून था और सारी तालीम ने जो डायरेक्शन ली थी वो एज ए लॉयर बनने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं 1989 में, यानी मैं पेशावर खैबर लॉ कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी से LLB की और 3-4 साल तक पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की, मगर समहा मुझे ये मालूम हुआ शायद मेरी नेचर या तबीयत उससे, चूँकि जब आप छोटे होते हैं तो आपके जो इर्द गिर्द है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है उस ज़माने में, उसको देख के आप इन्फ्लुएंस होते हैं। वकील अलामा इकबाल वकील थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, गांधी वकील थे, और जितने बड़े बड़े लोग गुजरे थे हिस्ट्री में, चूँकि उस वक्त पाकिस्तानी फोकस था उस ज़माने में,
और ये यानी सारी स्टडीज इसके गिर्द घूमती थी, तो हम बड़े इंस्पायर्ड थे कि यानी हमने वकील बनना है, तो उस लिए सारी एजुकेशन उसी तरह से पढ़ी। और वकालत में जब मैं पहुंचा तो फिर मुझे मालूम ये हुआ कि एक तो वो बहुत टाइम टेकिंग और उसमें बहुत सारी आपने लाइफ उसमें इन्वेस्ट करनी है, तो मैंने वहाँ से चेंज करके एक पहली कंपनी थी, एक और कंपनी भी थी SMS कोरियर कंपनी थी उस ज़माने में, आज नहीं है, आजकल वो सिक्योरिटी और इस तरह के काम में इन्वॉल्व है। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया एज ए सेल्स मैनेजर शायद 1993 में, और वहाँ से कुछ दिनों बाद फिर मैं चला गया था इंस्टाफोन में, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी सेलुलर कंपनी थी जी हाँ, और बड़ी मशहूर थी। पेशावर में मैंने ज्वाइन किया, फिर मैं 8 साल वहाँ रहा। अब उस ज़माने में कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ये लफ्ज़ नहीं थे, वो बस ज़रा हम दुरफ्त कहते थे उसको या टेली कम्युनिकेशन कहते थे। इसमें सारी चीज़ें आती थी, GPO भी इसमें आता था, इसमें रोड भी आते थे, इसमें मोबाइल भी आता था, अब तो बहुत शाखें बन गई हैं। तो वो हमारे पास जितने लोग थे वो सारे लॉजिस्टिक से आते थे, और लॉजिस्टिक में हम जैसे लोग बहुत जाते थे। फिर मुझे जब इस्लामाबाद गया और डीलर सेल्स मैनेजर बना, तो वहाँ से फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लॉजिस्टिक कंपनी TCS को ज्वाइन करने की एज एरिया मैनेजर पेशावर। तो वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू हुआ जो आज तक जारी है। फिर वहाँ से पेशावर से मैं प्रोमोट होकर 3 सालों में लाहौर आया, लाहौर में एज रीजनल मैनेजर काम किया, फिर मैं कराची चला गया एज हेड ऑफ़ कलेक्शन, हेड ऑफ़ क्रेडिट कंट्रोल, हेड ऑफ़ सिस्टम डेवलपमेंट, हेड ऑफ़ BPR, इस तरह के काम में मैं लगा रहा TCS में, और तकरीबन कोई 12 साल वहाँ पर गुजारे। उसके बाद फिर ये सफ़र और आगे गया और फिर OCS और यहाँ पर जो बताया भी, तो वहाँ से पहुँच के मैं यहाँ आया। यहाँ पे आने की जो चाम था वो ये था कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तकरीबन कोई 20 ईयर्स प्लस हो गया था, और मैं चाहता था कि मुझे कोई 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 प्ले ग्राउंड मिले, प्ले ग्राउंड कोई अच्छा यानी कि हाँ कोई बच्चों की जिसमें मैं कुछ कर सकूँ। तो उस वक्त डेव पाकिस्तान में कोरियर कंपनी नहीं थी, इट वाज ए कार्गो कंपनी, कार्गो कंपनी, ये एक यानी लास्ट माइल और फर्स्ट माइल की कैपेबिलिटी इसके पास नहीं थी, मगर ये लोग ढूंढ रहे थे इनकी यानी बाई यानी नेचुरली ये वैसे भी एक यानी लॉयन हॉल की और बहुत बड़ी कंपनी थी, मगर ये समहाउ यानी कोरियर में नहीं थी। तो यहाँ से मुझे यानी कॉन्टेक्ट किया गया, फिर मैंने यहाँ पर आगे इनको ब्रीफ किया, तो इन्होंने मुझे अपॉइंट किया, और वहाँ से ये डेवू कार्गो को हमने पहले 2 महीनों में उसका नाम रखा फास्टेस्ट एक्सप्रेस नाम था, उसको शॉर्ट करके फास्ट एक्स रखा। ये सबसे फास्ट एक्सप्रेस है okay. और ये आज भी है। उसकी वजह ये कि ये वाहिद कंपनी है इस मुल्क की जो आपको सेम डे में चीज़ें पहुँचा सकती है, ये कैपेबिलिटी किसी के पास डोर स्टेप डोर स्टेप वो नहीं है कि बस टू बस यानी कि बस टू बस यानी डोर स्टेप आपको जो पंजाब के करीबी शहर हैं उसमें, और अगर दूसरे शहर हैं तो उसमें सेकंड डे पर डिलीवर कर यानी ओवरनाइट डिलीवर कर लेती है। अगर आपको इमरजेंसी और आप खुद कलेक्शन करना चाहते हैं तो ये मेजर यानी हाफ ऑफ द कंट्री जो है आपको सेम डे पहुँचा देती है। दूसरी जो इसकी कमाल है वो है इसका कभी भी ऑफ ना होना, 24/7 की ये एक ही कंपनी है इस मुल्क में। जब आप इसको यानी मुहर्रम के दिनों में ईद के दिन पे रात को 2 बजे आप अपनी शिपमेंट ले जा सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि वर्किंग डेज बुलाया जाता है, संडे को आपके कोई डॉक्यूमेंट आ गया या अगर आपको सैटरडे कोई इमरजेंसी आ गई तो आपका डॉक्यूमेंट अब नेक्स्ट वर्किंग डे पे होगा। हमारे लिए हर दिन नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, आप आज दें तो आज ले लें, कल आ जाएँ तो कल आ जाएँ। इवन आपको यानी खुशी होगी कि रात के 3-4 बजे भी जब मैं यहाँ पर कभी कभी आता हूँ ऐसे विजिट करने तो लोग खड़े सरप्राइज विजिट करने लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। 24/7 का ये कल्चर है, प्लस बसें निकलती हैं हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद, कोई सामान डंप नहीं होता यानी अनलाइक अदर कोरियर कंपनी कि वो सारा दिन पिक करती हैं और एक दफ़ा ट्रांसमिट करती हैं। हम साथ साथ पिक कर रहे होते हैं, साथ साथ ट्रांसमिशन 300-400 कस्टमर केयर की तरह आप उसकी भी केयर करते हैं। बहुत बहुत फास्ट यानी जिसके नाम भी इसका ऐसे रखा है, बहुत फास्ट तरीके से इसकी यानी ट्रांसमिशन होती है और आपकी चीज़ें जो है ना ये इसकी स्पेशलिटी थी। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह यानी मुल्क के 70 शहरों में होम डिलीवरी दे रहे हैं। COD यानी ई कॉमर्स की भी सबसे बड़ी कंपनी है, हम ये वाहिद बस कंपनी है जो इंटरनेशनली भी यानी शिपमेंट भिजवाती है पूरे ग्लोब में। इसके अलावा हमारी एक और प्रोडक्ट है ग्रीटिंग्स जो कि गिफ्ट डिलीवरी सिस्टम है, उस पर भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है। बहुत सारे काम फार्मास्यूटिकल को सर्व कर रहे हैं, हम FMCG को सर्व कर रहे हैं, बैंकों को सर्व कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी ने 4 सालों में यानी बहुत अच्छी ग्रोथ भी दी और बहुत सर्विस भी दी है, और ये एक बहुत बड़ी जायंट की तरह सामने आएगी इंशाल्लाह 2021 में। जो हमारे प्लान्स हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रा बीफ अप करेंगे, फ्लीट को बढ़ाएंगे, टीम बढ़ाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये मुल्क में एक बहुत अच्छी और बहुत यानी बहुत स्टैंडर्ड की एक कोरियर कंपनी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अमूमन देखा जाए तो इसको नेशनल कंपनी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल कंपनी है डाइपो। बेसिकली तो ये इंटरनेशनल कंपनी है, यानी अगर हम डेवू एक्सप्रेस की बात करते हैं ये कोरियन सेटअप है,
और उसकी यानी शेयर होल्डिंग यहाँ भी है वहाँ भी है। एक्चुअली जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो तो इंटरनेशनल है, मगर अगर हम इसको एज ए फास्टैक्स देखें तो एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनी है, मगर ये इंटरनेशनली भी शिप कर सकती है। और DHL पाकिस्तान के साथ हमारी यानी फ्रेंचाइज सेटअप अरेंजमेंट है और हम मुल्क भर से शिपमेंट इकट्ठी करते हैं और थ्रू DHL जो है दुनिया भर में हम डिलीवर करते हैं। उमूमन लोग जानते थे या समझते थे कि डाइवो एक्सप्रेस के हवाले से है, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि इनकी और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो टोटल आपकी डाइवो की कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग ऑफर करते हैं? जब पाकिस्तान एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जी जी, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ कि यहाँ ये ट्रांसपोर्ट की चूँकि सबसे बड़ी कंपनी है तो मेट्रो मुल्तान का प्रोजेक्ट डेबू के पास है, डेबू ऑपरेटर है। इसके अलावा जो पंजाब में ये मेट्रो फीडर बसें हैं जी जी, जिसको स्पीडो के नाम से बुलाते हैं, ये डेबू पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है और उसको यानी गवर्नमेंट का। अच्छा, ये भी डाइवो का है? डाइवो है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है मगर ऑपरेटर इसके डेबू पाकिस्तान है। इसके अलावा ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है इसका ऑपरेटर भी एक यानी एक पार्टनर, दो चाइनीज पार्टनर हैं और एक पार्टनर डेबू पाकिस्तान है, और इसकी जो सर्विसेज हैं एडमिनिस्ट्रेशन है या इसकी जो पैसेंजर हैंडलिंग है वो भी डेबू पाकिस्तान के पास है। BRT पेशावर भी उसका ऑपरेटर भी डेबू पाकिस्तान ही है, और डेबू एक्सप्रेस बस, डेबू कैब, डेबू फ्रेटेक्स, डेबू रूम्स, डेबू फास्टैक्स, इस तरह की मेरी बहुत सारी कंपनियों का ये ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। बहुत सारी सर्विसेज जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती, मगर डेबू पाकिस्तान इस वक्त यानी बहुत से सेगमेंट में मुल्क कौम की और नेशन की यानी सर्विस दे रही है उसको। वेरी गुड साजिद साहब, आपके पर्सनल पोर्टफोलियो की तरह आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो भी काफ़ी माशाल्लाह, कंपनी का पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार है। बहुत बड़ी खुशी होती है पाकिस्तान की किसी नेशनल कंपनी को इतना ग्रोइंग करते देखकर। एक वक्त था कि लोगों को कार्गो और ये जो था कोरियर इसका पता नहीं होता था, और कुछ आप जैसे अदारों ने आके लोगों को सही मायनों में बताया कि कार्गो और कोरियर में फ़र्क क्या है। आप क्या समझते हैं दोनों चीज़ों में क्या मेन क्या फ़र्क है, कार्गो और कोरियर के? दोनों एक ही चीज़ का नाम है, दोनों एक्चुअली एक ही सेगमेंट है यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल है या लॉजिस्टिक्स है उसकी, मगर कार्गो को नॉर्मली स्लो मूविंग मटेरियल बोलते हैं। यानी वो कार्गो पहले ज़मानों में शिप पे जाता था या बहुत हैवी बल्क मटेरियल होता था उसको कार्गो बोलते थे, और कार्गो में एक और कॉन्सेप्ट भी है कि आप सेल्फ डिलीवर करते हैं या सेल्फ कलेक्शन करते हैं। कोरियर जो है वो ज़रा फास्ट ट्रैक होता है, वो आपके डोर स्टेप से पिक किया जाता है, उसमें फर्स्ट माइल कहते हैं उसको, फर्स्ट माइल आप पिक करते हैं, लास्ट माइल होता है जो आपके होम डिलीवरी। तो कोरियर इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है, इसकी यानी प्रीमियर इसकी यानी जो सर्विस है वो एक्चुअली कोरियर है, मगर कार्गो भी जो है ये मुल्क से बाहर से भी सामान आता है, कार्गो एयरक्राफ्ट्स हैं बाहर से, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कार्गो एयरक्राफ्ट्स आते हैं और पूरी बल्क शिपमेंट आती है, जो एक्सपोर्ट होता है वो भी थ्रू कार्गो होते हैं, पूरे पूरे कंटेनर जो जाते हैं उसको भी कार्गो बोलते हैं। तो कार्गो मीन्स एक बल्क मटेरियल या थोड़ा स्लो मूवमेंट, और जो कोरियर है वो ज़रा फास्ट ट्रैक होता है, उसको आपको यानी उसमें थोड़ी अर्जेंसी होती है। एक्चुअली ये दोनों मूवमेंट ऑफ द मटेरियल है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल दोनों का फंक्शनल एक ही function है, फंक्शन एक ही दो डिफरेंट उसकी प्रोडक्ट्स कह सकते हैं या कह सकते हैं जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है CEO डाइवो फास्टेस्ट मिस्टर साजिद खान साहब। हम लेंगे इस वक्त एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं हम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सेक्टर में और ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी कंपनी है, और मेजरली जो भी हम जा रहे हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और इम्प्रूव हो रहा है, मोटरवेज बन रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसके अलावा शहर के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट ला रही है। अब वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में मैं मौजूद हूँ डाइवो एक्सप्रेस के मेन ऑफिस में लाहौर में, और मेरे साथ मौजूद है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साजिद खान साहब। जी साजिद साहब, वेलकम टू बैक। थैंक यू सो मच। साजिद साहब, बताइएगा डाइवो का ये सफ़र आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल हो गए डाइवो को, और ये सफ़र जो चल रहा है माशाल्लाह, और क्या फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं डाइवो एक्सप्रेस के और डाइवो फास्टेस्ट के, चूँकि आप इसको देख रहे हैं ये आपकी प्रोडक्ट है, तो जब आप आए थे इसमें तो तब क्या था मौजूदा कंडीशन और अभी आगे क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? डाइवो पाकिस्तान 1998 में यानी पाकिस्तान में आई थी, और 22-23 साल उसको हो गए हैं, और ये पब्लिक सेक्टर में और ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी कंपनी है, और मेजरली जो भी हम जा रहे हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और इम्प्रूव हो रहा है, मोटरवेज बन रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसके अलावा शहर के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट ला रही है, आप देख रहे हैं उसमें भी हम बहुत एक्टिव हैं, जो ऑरेंज लाइन या BRT जैसे यानी सोफिस्टिकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसको भी हम हैंडल कर रहे हैं, और उस तरफ तो बड़ी डेवलपमेंट है। मगर अगर मैं अपने डिवीजन की बात करूं कोरियर में,
तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारे बहुत एग्रेसिव प्लान्स हैं। ई कॉमर्स का ज़माना है, ऑनलाइन शॉपिंग जी एक इसका बूम है, बूम है और अभी आएगा कोरोना के, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर ये, कोरोना के पस मंज़र में इसकी बहुत अहमियत, और अब अपने आप को लोग अब उस तरफ अल्टर कर रहे हैं, इवन यानी ग्रॉसरी सब्जियां तक वहाँ तक चली गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो अभी भी हम यानी ई कॉमर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं और बहुत स्पीडी हम डिलीवरी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे मेजर फोकस अब होगा ई कॉमर्स पे, ऑनलाइन डिलीवरीज पे, COD शिपमेंट्स पे, इस पे हमारे मेजर फोकस है कि हम इसमें करें। दूसरा हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, उस जो हमारी एक नज़र है वो ये है कि जो हमारे यंग जनरेशन है जो बेरोज़गार हैं, तो उनको हम उन शहरों में रोज़गार के मौके दे रहे हैं जिन शहरों में हम नहीं हैं, जैसे लाहौर है इसमें हम मौजूद हैं, यहाँ हमारी फ्रेंचाइजीज़ हैं तो हम यहाँ मौजूद हैं, मगर हमने एजेंट का भी एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें तकरीबन 1000 लोगों ने अभी अप्लाई किया है और उसके कल से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, कराची से शुरू होंगे पेशावर तक, और ये उन इलाकों में लोग एजेंटशिप खोलेंगे जिन इलाकों में ना बस जाती है ना हम हैं। अच्छा। वहाँ पे वो कार्गो एजेंट बनेंगे, कार्गो बुक करेंगे, हमारी शिपमेंट वहाँ डिलीवर करेंगे, डोर स्टेप पर डिलीवर करेंगे, ई कॉमर्स डिलीवर करेंगे, इंटरनेशनल शिपमेंट बुक करेंगे। अच्छा, बुक भी करेंगे और डिलीवरी भी करेंगे, वो हमारी बिल्कुल हमारा एक मिनी ऑफिस होगा, मिनी ऑफिस होगा, हमारा रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपरेशंस लिए वो सब ऑपरेशन भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, हमें रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो अभी सिंध के 9 इलाके, आज़ाद कश्मीर के 7 इलाके, पेशावर के कुछ इलाके, ये हमने अभी ऑपरेशनल कर दिए हैं। तो ये हमारा प्लान है कि अब तकरीबन कोई हर साल 100 शहरों का इसमें नेटवर्किंग एड ऑन करें और इसमें रोजगार के मौके पैदा करें। ये बहुत अच्छा, मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप जरा स्टडी करें, ये बहुत अच्छा मॉडल है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, यानी इसकी बहुत मामूली सी सिक्योरिटी है, वो सारी की सारी रिफंडेबल है। बल्कि आप बताइए थोड़ा सा ताकि आपके तवज्जो से बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, किसी ने अप्लाई करना जी बिल्कुल, इसकी सिक्योरिटी कोई 50,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक है और वो भी सारी रिफंडेबल है, कोई फीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ये आपकी अमानत होती है, ये इसलिए अमानत रखी जाती है कि लोगों के शिपमेंट गुम जाती हैं, कुछ मसले हो जाते हैं, तो उसकी सेटलमेंट के लिए एक एज ए गारंटी है छोटी सी। बाकी आपने एक छोटी सी शॉप लेनी है 5,000-10,000 रुपये रेंट की और अपना काम शुरू कर देना है, शिपमेंट आपके पास आएंगी, आपने डिलीवर करनी है और शिपमेंट की डिलीवरी पे पिक पे बहुत अच्छे इंसेंटिव्स है। तो मैं तो सबको इनक्रेज करता हूँ, जो मैट्रिक पास बच्चे हैं, FA पास बच्चे हैं, इवन अगर MBA और BA भी हैं और वो अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो इसके अलावा अभी हम यानी नादरा और GPO इनके साथ मिलके भी बहुत सारी बातें चला रहे हैं, जैसे आपसे अभी प्रोग्राम से बात हो रही थी, उनके साथ भी अगर हम हैंडशेक करें तो एक ही प्लेटफॉर्म पे यानी नादरा की सर्विसेज भी होंगी, GPO की भी होंगी, डेवू कारों की भी होंगी, और इस एजेंटशिप के तहत आप बसों के टिकट भी यानी उस पर अच्छा खासा इंसेंटिव है, यानी अक्सर लोग दूसरे दूर के शहरों से टिकट बुक कराना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो आप टिकट वहाँ बुक कर लें, अपने सर्विस एरिया में आएँ और वहाँ से डेवू पाकिस्तान भी अपनी कवरेज बहुत बढ़ा रहा है, यानी मडीबाउद्दीन, चीचा वतनी, मियाँ चुन्नू, छोटे छोटे इलाके में बस भी जा रही है, ये भी एक एक्सपेंशन है, मगर इसके साथ साथ डेवू कार्गो भी बहुत दूर तक यानी चित्राल से लेके क्वेटा तक हम अपनी कवरेज बढ़ाएंगे, सैकड़ों शहर हैं सब सामने आए हमने, अब हमारी वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ देखें, हमारे मोबाइल ऐप लें, जहाँ से आप चाहें हमें फ़ोन करें, 1111-007-006 पर हमें ऑफिस में फ़ोन करें, यहाँ पर 225 या 226 हमारी एक्सटेंशन हैं, हमसे इन्फॉर्मेशन लें, हम आपके घर आके इंटरव्यू करेंगे, अपने शहर में आपके इंटरव्यू करेंगे, वहीं पे आपको ट्रेन भी हम आप कर दें, हम हमारे एक एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम है, उनके तहत हम उनके लोगों को 15 दिन तक अपने पास रखते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, पूरी एक ब्रीफिंग उनको देंगे, इंशाल्लाह ये एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइज मॉडल है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जी, ये तो सोसाइटी को रिटर्न भी करना होता है अदारों ने, और ये बहुत अच्छा काम है। ऑलरेडी पंजाब इंफॉर्मेशन बोर्ड टेक्नोलॉजी ने इस तरह का एक मॉडल बनाया है खिदमत मरकज़ के नेम से, जिसमें अंडर द यानी कि अम्ब्रेला तमाम अदारों की यानी कि यानी डोर स्टेप समझ लीजिए या उनके सर्विसेज अवेलेबल होगी किसी को भी, तो वही काम आप कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अच्छा है। अच्छा साजिद साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आपका नेटवर्क बढ़ा है माशाल्लाह, तो अभी हमारा एक नया CPAC के अगर हवाले से हम बात करें, तो आप किस तरह से देखते हैं डाइवो और CPAC को, आपस में कैसे से रिलेट करते हैं, और ग्वादर में आपकी ऑपरेशंस हैं कि नहीं, या फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है बिज़नेस का। ये CPAC पे तो यानी हमारी मैनेजमेंट की एक खसूसी नज़र है और उसके बाकायदा हर महीने रिव्यूज़ होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलके भी हमारे कई प्रोग्राम हैं। अभी पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस जो है वो भी डेवू लॉन्च कर रहा है, और अभी एक प्रोग्राम आपने देखा होगा कि जिसमें चाइनीज़ एम्बेसडर भी तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा चाइनीज़ एक कंपनी के साथ मिलके एक टायर की कंपनी भी
कराची में खुल रही है, इसी का हिस्सा है। उन्हीं की यानी जो मूवमेंट्स होंगी, उनकी जो टायर कंजम्पशन होंगी उस हिसाब से। और उसमें हमारा एजेंट अभी यानी हमने इसको हायर किया है गवादर में, और उस पर यानी सारी मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, सारा कुछ लॉजिस्टिक है, तो उस पर तो हमारी नज़र हमारी हमें तो उसके इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब वो आए। हम अपने आप को गेयर अप कर रहे हैं, बीफ अप कर रहे हैं, हम अपनी ट्रकिंग सिस्टम्स को उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और कई लोगों के साथ चाइनीज़ कंपनी के साथ भी हमारे बातें भी हो रही हैं, इस पर हम काम करें। चूँकि ज़रा डिलेड है वो प्रोग्राम, तो हम अपने आप को काफ़ी इस पर यानी हम रिसर्च भी करते हैं और उस पर हमारी नज़र है, क्योंकि बहुत बड़ी यानी कि लॉजिस्टिक की स्पेस है उसमें बहुत। यानी जब ये पूरा सी पैक का प्रोजेक्ट चलेगा तो मैं समझता हूँ जब रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ये सारा कुछ होगा, पॉसिबल होगा। तो नाज़रीन, आप जैसा कि सुन रहे हैं साजिद खान साहब की बातें, हम इस वक्त लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। तर्जुमे हैं एक्चुअली, अच्छा उनका खुलासा कह सकते हैं, तर्जुमे ट्रांसलेशन है, वन ट्रांसलेशन दूसरी लैंग्वेज में, ठीक ठीक। और ज्यादातर यानी उर्दू की किताब, पश्तो टू उर्दू, हाँ उर्दू टू पश्तो, उर्दू टू पश्तो। जो डबिंग्स हैं कासिम अली शाह साहब की, जो वीडियो क्लिप्स हैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ पश्तो में पहले, और फिर उसकी आवाज़ भी खुद देता हूँ। मेरी अभी तक तकरीबन उनकी फाउंडेशन के जो यूट्यूब चैनल है उस पर 5 वीडियोस जो पश्तो तर्जुमा के साथ मेरी वॉइस ओवर में जा चुके हैं। इस किस्म की, और प्लस ये जो जितने भी शुरा हैं, अदीब हैं, इनकी खिदमत को भी यानी मैंने अपना एक शुआर बनाया हुआ है, उनको बुलाते हैं लाहौर में, और एक एक मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी है सियासी, उसको कल्चरल विंग को भी मैं एज ए प्रोवेंशियल सेक्रेटरी देखता हूँ। और मेरा यानी मेरे तक ज़्यादातर ताल्लुक अदीबों और मुफक्किरों, दानिश्वरों, लिखारियों। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में आज हमारे साथ मौजूद है साजिद खान साहब, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है डाइवो फास्टेस्ट पाकिस्तान के। जी वेलकम बैक, थैंक यू सर। साजिद साहब, बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि आप एक अच्छे राइटर भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और जिसको कह सकते हैं ना कि अल्फाजों की रोह में बह के लिखना जानते हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा कि ये के शौक शुरू से था, और अब तक क्या क्या लिख चुके हैं आप और क्या लिख रहे हैं? मेरा ताल्लुक चूँकि एक पठान फैमिली से है, और जब मैं वहाँ था तो हमने पश्तो यानी बीए तक तो पश्तो पढ़ा, और पश्तो में ही लिखता हूँ। और जब यहाँ पे आया तो यहाँ बहुत बड़े मुफक्किर, शायर और इस तरह के लोग मैंने देखे कि जिनके पैगाम को वहाँ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हाल ही में यानी कासिम अली शाह साहब की एक किताब है अपनी तलाश, उसका तर्जुमा किया पश्तो में द जान लटून के नाम से। तो मेरे काम सारे तर्जुमे हैं एक्चुअली। अच्छा उनका खुलासा कैसे? तर्जुमे ट्रांसलेशन है, वन ट्रांसलेशन दूसरी लैंग्वेज में, ठीक ठीक। और ज्यादातर यानी उर्दू की किताब, पश्तो टू उर्दू, हाँ उर्दू टू पश्तो, उर्दू टू पश्तो। जो डबिंग्स हैं कासिम अली शाह साहब की, जो वीडियो क्लिप्स हैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ पश्तो में पहले, और फिर उसकी आवाज़ भी खुद देता हूँ। मेरी अभी तक तकरीबन उनकी फाउंडेशन के जो यूट्यूब चैनल है उस पर 5 वीडियोस जो पश्तो तर्जुमा के साथ मेरी वॉइस ओवर में जा चुके हैं। इस किस्म की, और प्लस ये जो जितने भी शुरा हैं, अदीब हैं, इनकी खिदमत को भी यानी मैंने अपना एक शुआर बनाया हुआ है, उनको बुलाते हैं लाहौर में, और एक एक मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी है सियासी, उसको कल्चरल विंग को भी मैं एज ए प्रोवेंशियल सेक्रेटरी देखता हूँ। और मेरा यानी मेरे तक ज़्यादातर ताल्लुक अदीबों और मुफक्किरों, दानिश्वरों, लिखारियों और उस्तादों, मेंटोर्स, इस पे ज़्यादा फोकस होता है। अब जो मेरा मिशन है वो ये है कि मैं अपनी कौम की तरफ इसको पे बैक करूँ, और उनको आसान ज़ुबान में, जो पश्तो की आसान ज़ुबान है, किताबों के तर्जुमे करूँ। किताब कोई पढ़ता नहीं है, तो मैं वीडियो क्लिप्स पे जो बड़े बड़े मुफक्किर हैं उनकी ट्रांसलेशन करके यानी हम कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरे यानी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनसे बात भी हो गई है, टाइम जैसे जैसे मिलता है, जॉब भी ऐसी है काफ़ी यानी टाइम टेकिंग है, मगर साथ जब भी टाइम मिलता है वो पूरा टाइम हम यानी इस खिदमत को, या अदब बोलने या खिदमत बोलने, खिदमत और अदब एक ही बस सब्जेक्ट है, उसके तहत यानी जो मेरे राइटअप हैं सारे वो तर्जुमे ही हैं जो मैं करता हूँ। बहुत अच्छा है जी, आजकल तो वैसे भी ज़रूरत है, कहते हैं ना फ़नून लतीफ़ा की ज़रूरत है, और अदब की, और फ़लसफ़ा की। अब तो लोग पढ़ते भी नहीं, पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन आप जैसे दानिश्वर और आप जैसे अदीबों की आज भी कौम को ज़रूरत है। तो कैसे आप मैनेज कर लेते हैं सब कुछ साजिद साहब? और आप एक लॉयर भी हैं, ये भी है आपके साथ। मैं असल में सबसे कहता हूँ कि देखें, टाइम सबके पास 24 घंटे होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर आप टीवी को प्रायोरिटी देते हैं, आप नेटफ्लिक्स को प्रायोरिटी देते हैं, आप बिस्तर में सोते हुए को प्रायोरिटी देते हैं, आप दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करने, 6-6 घंटे टाइम वेस्ट करने में आपका बिलीफ है आपका,
या ऐसी या तो वो आपकी मर्जी है, मगर अगर आप समझें तो बहुत टाइम है इंसान के पास। सुबह 5-6 बजे उठने के बाद 2-3 घंटे वहाँ होते हैं आपके पास, फिर 5-6 बजे निकलने के बाद फिर आपके पास 3-4 घंटे होते हैं। सैटरडे हमारा ऑफ होता है, संडे हमारा ऑफ होता है, बहुत काम किया जा सकता है और बड़े सुकून से काम हो जाता है अगर आपकी नीयत हो और आपको टाइम यानी वेस्ट करना आपको पता हो कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो वो कहते हैं कि ये सक्सेस की ये नहीं है कि आपको क्या करना है, यानी सक्सेस ये नहीं है, सक्सेस की फार्मूला ये है कि आपको क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, तो आपने मालूम करना है। मैं इसके अलावा अभी तो कोरोना हो गया तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, लाहौर की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में सैटरडे संडे को पढ़ाता भी हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ और 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कराची में भी यानी जैबिस्ट में, माजू में, यहाँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में बाकायदा क्लासें ली हैं, कई सेमेस्टर मैंने यानी मैं पढ़ाता भी हूँ। अभी जरा कोरोना के उस कॉन्टेक्स्ट में जरा सी पढ़ाई थोड़ा कम हो गया क्योंकि वो स्कूल सब ऑनलाइन चले गए हैं तो वो छोड़ दिया हुआ है। अदरवाइज यानी टाइम मिल जाता है, टाइम सबके पास, आपने टाइम निकाला है ना, आपके पास भी टाइम नहीं होगा मगर जब टाइम निकालते हैं प्रायोरिटाइज, ये सब प्रायोरिटीज है, अगर आप सेट करनी पड़ती है, आप करनी पड़ती है और फजूल कामों से आपको निकलना होता है, बहुत टाइम यानी टाइम जाया करने के बड़े मौके हैं। साजिद साहब बड़ी खुशी हुई और मुझे आपसे ज़्यादा या मुझसे ज़्यादा हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा खुशी होगी जब वो आपका ये इंटरव्यू ऑन एयर देखेंगे। डेफिनेटली आपने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हमारा मेरी बेस्ट विशेस है आपके अदारे के लिए और आपके लिए। साजिद साहब कोई आप मैसेज एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से, डाइवर पाकिस्तान के हवाले से न्यू कमर्स को, अपनी नेशन को देना चाहें तो प्लीज़? बस मेरी यानी मैसेज तो यही है कि आप अंजाम पे या सक्सेस को परसू किए बगैर अपनी एफर्ट्स पे ज़रा गौर कीजिए, अपनी एफर्ट डालें, रिज़ल्ट का आपको अंदाज़ा कभी भी नहीं होगा, रिज़ल्ट खुद आएगा, रिज़ल्ट खुदा देगा, खुदा का अपना एक वादा है, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, तो खुदा ने आपकी कोशिशों में बरकत डालनी है। बेचैन ना हो, बेसब्र ना बने, मेहनत करते जाएँ, अपने रास्ते पर चलें, एफर्ट्स करें, जो जिस फील्ड में भी है, स्टूडेंट है, किसी फॉर्म में है, इंडस्ट्री में, एजेंसी में है, छोटा काम कर रहा है, बड़ा मैग्नीट्यूड पे काम कर रहा है, बस आप फोकस करें अपने एफर्ट्स को, टाइम को प्रायोरिटाइज करें, इंशाल्लाह यानी मैं यानी आपको यकीन दिलाता हूँ सक्सेस आपके पास होगी और फिर सक्सेस से आगे कई और मनाजिल भी आप तय करते जाएंगे। यही एक सिंपल सा मैसेज मैं आपको दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल साजिद खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। सक्सेस मिलती ज़रूर है, चाहे कई लोगों के नसीबों में जल्दी है, कई के नसीब में थोड़ी सी देर से, लेकिन अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। साजिद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज आप हमारे गेस्ट थे, स्पेशल गेस्ट थे, पाकिस्तान के लीडिंग स्टील जो कंपनी है उसके मॉडल स्टील, ठीक है, और उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है जो आपको हमेशा ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में, बिलीव इन पाकिस्तान के इस सफ़र में आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे गेस्ट थे। बहुत शुक्रिया। जो आपको आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।